आप सभी को अन्नकूट गोवर्धन पूजा महापर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात के साथ चर्चा में निकलता है कि क्या बनना है। बचपन से ही बच्चों को पूछा जाता है क्या बनोगे। कोई बच्चा कहता है डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है पायलट बनूंगा, कोई कहता है इंजीनियर बनने की तरफ जाऊंगा। इस बनने की चाहत के साथ में लगातार व्यक्ति अपने लिए कोई ना कोई परिदृश्य देखता चला जाता है। उम्र आगे बढ़ती है, जीवन के संघर्ष शिक्षा के साथ सामने आते हैं, उसके बाद ये जो प्रश्न है क्या बनना है धीरे धीरे गायब होने लगता है और व्यक्ति अपने कामकाज की और किसी भी सिरे के साथ संलग्न होता है, अर्थोपार्जन करने की तरफ जाता है, भले ही वो जॉब की तरफ हो या फिर बिजनेस की तरफ। वहाँ की पोजीशन के साथ आगे बढ़ते हुए अब दूसरा प्रश्न आता है क्या बनाना है। विवाह हो गया, संतान पक्ष की ओर चले गए, घर बनाना है, इसके अलावा ज़मीन संबंधी स्थितियों के साथ में खुद को जोड़ना है, यानी कि जो बनने का सफ़र था अब वो बनाने के सफ़र की तरफ आ गया। तृष्णा लगातार उसी सिरे के साथ रही, पहले भी यही पूछा गया, अब किसी के द्वारा पूछा नहीं गया, परंतु फिर भी उसी प्रेशर के साथ में व्यक्ति चल रहा है। क्या क्या बनाना है, किस तरह से उसको अपनी यात्रा को देखना है, और उसी के साथ में वो खुद को परेशान करता चला जाता है। ये बनाएंगे, ये इस तरह से लेने वाले होंगे, इस फ्लैट के साथ में जाने वाले होंगे, इस बंगलों के साथ में जाने वाले होंगे, ये गाड़ी लेने वाले होंगे, वहाँ घूमने वाले होंगे, बहुत कुछ बनाने वाले होंगे, और उसके साथ में खुद को व्यक्ति जो मूल आभा है उसे बहुत पीछे छोड़ता चला जाता है। दोस्तों के साथ कई बार चर्चा करते हुए इस बात को देखता है कि ये बनूंगा, मित्र वो बन रहा है तो मैं भी ये बनने की तरफ चला जाऊंगा। किसी ने कहा वो स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है तो मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन बनने की तरफ चला जाऊंगा। भीतर एक बार हमने खुद से पूछने का प्रयत्न नहीं किया कि हम क्या हैं और हम किस तरह से अपने जीवन को देखना चाहते हैं। जब ये आभा मंडल, ये अवस्था सामने निकल कर आती है जहां से व्यक्ति परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर स्वयं से ये पूछने की तरफ होता है कि वो आखिरकार चाहता क्या है, वो आखिरकार आनंद के साथ किस तरह से चलना चाहता है। बचपन उन्मुक्त है, पूरे दिन सुबह से शाम तक खेलते रहो, जब भूख लगी कुछ खा लो, इसके अलावा किसी से मिल लो, इसके अलावा कोई भी जिम्मेदारी नहीं, अर्थोपार्जन की कोई भी व्यवस्था नहीं, परंतु पूरे जीवन वो यात्रा नहीं चलती। वही व्यक्ति को समझने की आवश्यकता होती है, वही समझाने की आवश्यकता भी होती है, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए एक और क्रम जो सामने निकल कर आता है, जो नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक जीवन के साथ में चलायमान होता है, जहाँ पर व्यक्ति सिर्फ बनाने के सपने देखता चला जाता है, वहाँ वो करने के सपने कितने देखता है कि मैं क्या करने वाला रहूँगा और किस तरह से लोगों के जीवन के साथ में प्रभाव रखने वाला रहूँगा, वहीं से उसकी जीवन यात्रा परिवर्तित होने लगती है। तो यहाँ जब दीपावली पर्व हम मना चुके और इसके बाद में गोवर्धन पूजा, भैया दूज, लाभ पंचमी, इसके अलावा जो एक तरह से पूर्णिमा आदि रहेगी, निरंतर त्योहारिक गतिविधियां, इसके साथ में एक संकल्प शक्ति व्यक्ति अपने साथ में लेकर प्रखर हस्ताक्षर के रूप में स्वयं से पूछने वाला रहे कि आखिरकार वो अपनी यात्रा के साथ में चाहता क्या है, लोगों की फैसिनेशन से हटकर अपनी जर्नी को किस तरह से इवॉल्व करना चाहता है, वहां से उसके लिए काफी हद तक क्लैरिटी आती चली जाती है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 2 नवंबर 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। शनिवार है, विशाखा नक्षत्रीय स्थितियाँ, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अब चल रहा है, चंद्रमा तुला राशि स्थान में रात्रि 11:24 तक रहने वाले रहेंगे और उसके बाद वृश्चिक प्रवेश करेंगे। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं मेष राशि के साथ में। देखिए, व्यापारिक जीवन के साथ में जिस तीव्रता को आप अपने साथ देखना चाहते हैं वो आपके लिए बनी हुई है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज चोटिल होने वाली स्थितियों से बचने की गुंजाइश रहेगी। वहीं वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतने का प्रयत्न कीजिएगा। यदि आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर आप टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, भागदौड़ है त्यौहार के बाद, परंतु ये आपके लिए बेहतर परिणामों की आभा समक्ष रखती चली जा रही है। जो भी मानुभाव स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे सिरे के साथ में जुड़े रहे हैं, अवकाश के दिवस विशेष के साथ में आगे की प्लानिंग को आप किस तरह से अपने लिए क्यूमुलेशन में देखना चाहते हैं वो प्रोस्पेक्ट यूटिलाइज करते हुए चलिएगा। संतान पक्ष की शिक्षा आधारित क्रम के साथ में बेहतर व्यवस्थाएं आपके समक्ष निकल कर आती चली जा रही है। अगर परिवार के साथ में जो समय बीतेगा अत्यधिक आनंद के प्रभाव को आपके समक्ष रखने वाला हो सकता है। वृषभ राशि, सर्वप्रथम तो अपने स्वास्थ्य का पुरजोर तरीके से ख्याल रखकर चलें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि है,
थकान हावी हो सकती है, इसलिए छोटे छोटे गैप के साथ में रूटीन को आगे बढ़ाने की आपके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। अपने कम्युनिकेशन के साथ में आप क्या कह रहे हैं, किस तरह के अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, एक एक शब्द पर गौर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जो महानुभाव टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, एजुकेशन को रिलेट करते हुए फील्ड स्पेसिफिक के साथ में है, उनके लिए आज मेजर चेंजेस की क्यूमुलेशन सामने निकल कर आ सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन करके चलें। और ये याद रखें कि आज किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचना है। आपने अपने बिजनेस के साथ में कोई भी तरीके का कमिटमेंट करके रखा हुआ था आपके लिए बेटरमेंट, तो वहीं विद्यार्थी वर्ग आज एकाग्रता के साथ में चलने वाले होंगे और वहीं से आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव और कॉन्शियसनेस के एक अलग फोल्ड निकल कर आ सकते हैं। मिथुन राशि, रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने की पूरी पूरी रिक्वायरमेंट है। जो विद्याध्ययन के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, उन्हें आज निरंतर तौर पर अपने साथ हनुमंत उपासना को जोड़कर चलना चाहिए। किसी परिणाम की लंबे समय से आपको आशा अपेक्षा थी, तो वहां से भी बहुप्रतीक्षित तौर पर आपके लिए सकारात्मक स्पंदन सामने निकल कर आ सकता है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से मन मुटाव के क्रम बने हुए थे, तो वहां पर भी सुधार की प्रक्रियाबद्ध चरण आपके समक्ष निकल कर आ सकते हैं। याद रखिएगा कि जो आज भागदौड़ की स्थितियां कामकाजी जीवन में सामने आएंगी, वो मन को संतुष्टि देने वाली होगी। पूरे घर परिवार के साथ में यदि आप सुंदरकांड का पाठ करने की तरफ जाते हैं, तब भी अत्यंत बेहतर व्यवस्थाएं आपके समक्ष निक्षेपित होने वाली हो सकती है। अपने कामकाज से दूसरे लोगों को भी परिचित करवाते हुए चलिएगा। जो रूटीन के साथ में आपने डिसिप्लिन की अप्रोच को अपनाया है, आखिरकार वहां से बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि आपको मिलती चली जा रही है। कर्क राशि, देखिए बेसलेस फियर के अप्रोच से पूरे तरीके से संभल कर चलें। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में अत्यंत बेहतरी भरे सिरे आपके साथ निकल कर आ सकते हैं। मेडिटेशन के प्रोसेस को अपना कर चलें। बहुत लंबे समय से आप किसी भी स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ना चाह रहे थे, जो प्रक्रिया आपके सामने नहीं आ पा रही थी, तो आज वो एक्टिविटी भी आपके सामने आ सकती है। तो वहीं घर परिवार में बच्चों के साथ में समय बिताइएगा। मन एक अलग संतुष्टि भरी आभा के साथ में आपकी जीवन यात्रा को लेकर चलने वाला होगा। वहीं पर आज बहुत अधिक भागदौड़ मचाने से बचना है। बहुत आराम के साथ में अपने रूटीन को आगे लेकर चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। जो नए लोगों के साथ में आपके लिए मुलाकात हो रही है, वो अत्यंत संतुष्टि के प्रवाहमान क्रम को आपके साथ साथ लेकर चलने का कार्य करती चली जा रही है। तो वहीं भावुकता में किसी भी तरीके का निर्णय अपने साथ जोड़कर चलने से बचना है। सिंह राशि, देखिए तृतीय भावस्थ चंद्रमा है। नौकरी पेशा जीवन में नयापन आपके सामने निकल कर आ सकता है। आप यहाँ मैनेजमेंट की फील्ड स्पेसिफिक या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ में चलते हुए हैं, स्पेकुलेशन से बचिएगा, प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो वहीं हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत होती है, तो अत्यधिक बेहतरी। शनिवार के इस दिवस विशेष में भी खुद को टास्क ओरिएंटेड करके चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। ये मनोस्थिति अपने साथ वर्णित करके चलें। भाइयों के साथ में संबंधों में सुधार है, दोस्तों के साथ में भी जो मन मुटाव बने हुए थे वो हटने की तैयारी कर रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कांस्टेंट बेसिस पर आपके साथ है। तो वहीं घर परिवार के साथ छोटी छोटी बातों में विवादों से पूर्णतया बचकर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक क्रमबद्ध स्थिति है। किसी भी निर्णायक कार्य की तरफ जा रहे हैं, तो आज बड़े ही इत्मीनान से पहले अपने विचारों को स्थापित करें, फिर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें तो बेहतरी। कन्या राशि, देखिए धनागमन के साथ में वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ भरपूर सहयोग के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। तो वहीं रूटीन के साथ में जो जो स्ट्रक्चर्ड नोट आपके लिए चल रहे हैं, कौन सा कार्य किस समय पूरा करना और कैसे आगे बढ़ना है, वो तैयारी करके चलें। किसी व्यक्ति विशेष की रुपए पैसे के आधार पर मदद की थी, अब वही रुपए पैसे पुनः प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आज पुनश्चय प्रयास करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड के साथ में है, फार्मास्यूटिकल को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस के साथ में है, इंटेंसिटी के साथ में चलती हुई वर्किंग नोट में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ स्टेबलाइज होती चली जाती है। दुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। आकस्मिक धन लाभ के भरपूर से भी भरपूर व्यवस्थित संकेतों की आभा आप अपने साथ लेकर चलने की प्रक्रियाओं के साथ में है। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से पूरी तरीके से बचकर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। वहीं तुला राशि, आत्मविश्वास के साथ में भरपूर वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बना हुआ है।
कामकाजी जीवन के साथ में थोड़ी सी अड़चनें यहाँ पुनः खुद को रिज्यूम करते हुए आ सकती है, उससे डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को आप हटाकर चलिएगा। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स की जो पोजीशन और प्रपोशंस होते हैं वो कांस्टेंट बेसिस पर आपके साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। तो वहीं जो महानुभाव लंबे समय से कार्य गतिविधियों के साथ में थकावटें और रुकावटें महसूस कर रहे थे, आज पुनश्चय खुद को ऊर्जावान करके चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं पर जो महानुभाव कमीशन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, बेटरमेंट आपके सामने निकल कर आने की पूरी पूरी प्रिपरेशन करते चले जाते हैं। तो वहीं पर हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रपोशंस में पॉजिटिविटी रहेगी। जो दैनिक दिनचर्या के साथ में जुड़े हुए कामकाज की प्रक्रियाएँ होती है उसके साथ भी थोड़ी बहुत विधाएँ रह सकती है, संभलिएगा। वृश्चिक राशि, आपके द्वारा जो एक तरह से हंसी मजाक का आधार होता है वो किसी के मन को चुभने वाला नहीं हो, ये विशेष ध्यान रखिएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा पूरा प्रयत्न आप करते चले जाएं। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के पूरे पूरे संकेतों की आभा आप दोपहर के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। जो महानुभाव शत्रु पक्ष की स्थितियों से लंबे समय से परेशान रहे हैं उनके लिए धीरे धीरे सुधार के संकेतों की यात्रा यहाँ सामने आती चली जा रही है। लंबे समय से कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे जिससे दूर होने के रास्ते नहीं मिल पा रहे थे, यहाँ पर पुनः प्रयास की आभा को अपने साथ में लेकर चलने की ज़रूरत आपके लिए बारंबार रहेगी। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक आप प्रतिपादित करते हुए चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। जिन महानुभावों ने अपने लिए कुछ हद तक कैलकुलेटिव बेस के साथ में आगे की जर्नी को इवॉल्व करने का फैसला कर लिया है उनके लिए और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी सामने निकल कर आती चली जाती है। तो वहीं पर आज के समय विशेष के साथ में किसी भी व्यक्ति की फैसिनेशन में जुड़कर निर्णय को बदलने से बचें। धनुराशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा है, अपने क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास स्थापित करते हुए चलने का प्रयत्न करें। सिचुएशनल बेसिस पर जितनी अवेयरनेस को आप मेंटेन करके चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी एक्युमुलेशन में आप अपने साथ जोड़ते चले जाएंगे। और जो भी महानुभाव यहाँ पर सर्वांगीण लाभ के साथ में कमी देख रहे थे, यानी जहाँ जहाँ जिस जिस हिस्से के साथ में जो जो लाभ बढ़ना चाहिए वो जो नहीं बढ़ पा रहा था, वहाँ पुनश्चय प्रयत्नों की आभा के साथ में चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो वहीं ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में जीवन यात्रा को पूरे तरीके से जोड़कर चलने का प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए एक प्रमुख एवं बेहतरी भरा हिस्सा है। और जो भी महानुभाव बड़े निर्णय में लंबे समय से रुकावटें महसूस कर रहे थे उनके लिए पुनश्चय सुधार के संकेतों की यात्रा सामने निकल कर आती चली जाती है। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि रहेगी। जो जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे जब वहाँ संकेत मिलते हैं तो व्यक्ति वैसे भी व्यवस्थित होता चला जाता है। मकर राशि, जो भी महानुभाव लंबे समय से कोई और टास्क की तरफ जाना चाह रहे थे, खुद को जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट करना चाह रहे थे, घर परिवार को इतला दे चुके, वहाँ से हामी मिल चुकी, तो आप पूरी पूरी तैयारियों के साथ में आगे बढ़ते चले जाना आपके लिए बेहतरी भरा क्रम रहेगा। वहीं शनिदेव प्रधान राशि के महानुभाव कंस्ट्रक्शन को रिलेट करते हुए अप्रोच में यहाँ काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी को अपने लिए क्यूमुलेशन में देखने वाले हो सकते हैं। यहाँ अपने कार्यों में दृढ़ता के पूरे पूरे प्रतिबिंब को स्थापित करते हुए चलने की आपके लिए आवश्यकता है और यही एक सिरा अपनाते हुए आगे बढ़ने की आपके लिए ज़रूरत है। तो वहीं जो महानुभाव यहाँ अपने लिए व्यापारिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ने की यात्रा को तय करना चाहते हैं बेहतरी है। कोई डील लंबे समय से अटकी हुई थी वहाँ पर भी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ क्यूमुलेशन में निकल कर आने की प्रिपरेशन कर रही है, उसमें भी एक और पॉजिटिव नोट अपने साथ स्टेबलाइज करते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश करते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग बना हुआ है। आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह की वृद्धि के प्रतिबिंब को आप अपने साथ में यहाँ संलग्नित करके चलना चाह रहे थे उसका पूरा पूरा सिरा आपके साथ अवस्थित होकर चल रहा है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए आगे बढ़िएगा। कम्युनिकेशन में कहीं पर भी रिएक्टिव बेसिस को अपनाने की आपको आवश्यकता नहीं। निर्णायक मौक़ों पर लोगों की सलाह के साथ में चलने का प्रयत्न करें, यानी कि जो आसपास के हितेशी लोग हैं उनसे चर्चा करके बढ़ना बेहद ज़रूरी है। और वहीं पर इस समय के प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ में आप पुनः एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में कोई भी नएपन के सिरे को अपने साथ स्थापित करके चलना चाह रहे हैं उनके लिए भी अत्यंत सकारात्मक पक्ष साथ साथ निर्मित होता चला जाता है। कोई भी दुविधा के मानक यहाँ उपस्थित रहने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। ये निवेदन करना चाहेंगे कि कुछ समय यहाँ ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में
आप खुद को जोड़ने का प्रयत्न जरूर करते चले जाइएगा। मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है, एनालिटिक्स को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में जिस अप्रोच में आप बढ़ना चाहते हैं उसके पूरे पूरे फ्रेम्स और फेजेस आपके साथ में बने हुए हैं। जो महानुभाव लंबे समय से किसी भी कार्य में अवरोध देख रहे थे उनके लिए यात्रा पुनः सुधार के संकेतों को सामने स्थापित करती है, तो वहीं पर आज के दिवस विशेष में अपने लिए समय ज़रूर निकालिएगा, जिसको मी टाइम कहा जाता है, उस समय के साथ में चलने की पूरी पूरी आवश्यकता आपके लिए रहने वाली रहेगी। अपनी क्षमताओं के साथ परिचय स्थापित करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता, रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए डिसीजंस थोड़ा सा रोक कर चलें, कोई भी मीटिंग आदि आकस्मिक तौर पर सामने निकल कर आई है, हम कितनी तैयारियों के साथ में हैं बारम्बार इस बात पर बल देने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली रहेगी। माइग्रेन से संबंधित समस्याएं यदि परेशान करती है तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर चलने की पूरी पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है, तो वहीं लोगों का साथ उनके संघर्ष के समय में देना आज आपकी महती अवस्था है तथा वही आपको सुदृढ़ स्थिति देने वाली रहेगी, उस प्रक्रिया को अपनाकर चलते चले जाइएगा। तो ये था 2 नवंबर 2024 का दैनिक राशिफल, हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटि शह आभार।